अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नाज़रीन हज़रात, मैं आपके साथ आपका मेज़बान अब्दुल वाजिद और आप देख रहे हैं तस्नीम टीवी। कल मदरसा जामिया तैयबा के अंदर एक प्रोग्राम और मुजाहिद आज़ादी अशफाकुल्ला खान की यौम पैदाइश का प्रोग्राम बहुत ही शान शौकत से किया गया। प्रोग्राम की शुरुआत कुरान करीम की तिलावत से की गई। मदरसा जामिया तैयबा के ही एक तालिबे इल्म हाफिज मोहम्मद सोहेल ने कुरान करीम की तिलावत करी। उसके बाद कुछ बच्चों ने शहीद अशफाकुल्ला खान की ज़िंदगी के ऊपर रोशनी डाली और कई बच्चों ने अपने अपने प्रोग्राम पेश किए। प्रोग्राम को शुरू से लेकर आखिर तक हैंडल करने वाले ज़रीफ अहमद ने बहुत ही शानदार तरीके से प्रोग्राम को हैंडल किया। उसके बाद मदरसा जामिया तैयबा के डायरेक्टर कारी मोहम्मद इसहाक ने आए हुए सभी मेहमानों का साफा माला और एक नायाब मोमेंटो तोहफे के तौर पर पेश किया और आए हुए सभी मेहमानों का दिल से शुक्रिया अदा किया। और सभी मेहमानों ने भी मदरसा जामिया तैयबा का प्रोग्राम और मदरसा जामिया तैयबा के बच्चों को देखकर बहुत खुशी जाहिर की और मदरसे की तारीफ करी और बच्चों को तालीम और तरबियत पर ध्यान देने की बात कही। और आए हुए सभी मेहमानों ने मदरसा जामिया तैयबा के बच्चों को प्रोग्राम में तालीम के ऊपर मोटिवेट किया, बच्चों को तालीम हासिल करने के लिए जोर देने के लिए कहा और मदरसा जामिया तैयबा के तमाम स्टाफ को दिली मुबारक पेश करी। आए हुए मेहमान और मदरसा जामिया तैयबा के तमाम स्टाफ मौजूद रहे, कहीं भी कोई परेशानी आए तो उसके लिए मदद और साथ देने के लिए कहा। जब हम साफ रहेंगे तो दूसरे को हम साफ रखने की हिदायत दे सकते हैं। हजरत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के पास में एक जोड़ा खलीफा वक्त आप क्या कहते थे, काश मेरे पास दो जोड़े होते, एक धोता एक ठीक है ना। आज सबसे ज्यादा अगर कोई पहचानने में आता दूर से तो कौन सा इलाका पहचानने में आता, ईमानदारी से बताना। मुस्लिम काम करता हूँ, इतनी बच्चियों की ये तरबियत कर रहे हैं और बच्चे जो है इनके यहाँ वो भी तरबियत कर रहे हैं। सबसे बेहतरीन जो इसमें दिख रहा है मुझे वो बच्चियों का जज्बा ज्यादा दिख रहा है, तो ये बात तो फिर ठीक है। हमारे बच्चों पर इस्माइल भाई फरीदा साहब, जनाब बारी भाई, जनाब दानी साहब, बिटिया हमारी सहारा जी, आपको मैं बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आपके हौसले को बिटियाओं, आप सबके लिए भी एक खास बात यह है कि सबसे ज्यादा आपको अगर अपने लिए कुछ करना है तो तालीम में सबसे आगे बढ़ना है और किसी को भी कोशिश करते कि इनके गार्जियंस में से एक एक लोग आते तो मैं अपनी बात और कहता, उन्हें इस बात का एहसास कर रहा था। मेरे पास दो तीन बार कुछ बच्चियां इस तरह की आई कि जिनकी शादी हो गई और लड़के कोई कारोबार नहीं कर और वो नशाखोरी, मैंने उस बच्चियों की ऐसी हालत मैंने देखी, तलाक की नौबत आ गई और घर खर्चे के लिए परेशानी हो गई और अगर बच्चा उसके यहाँ हुआ उसको दूध तक की परेशानी आ गई। तो पत्रकार साथियों, आपसे भी मेरी ये गुजारिश है कि हमारे जो मुस्लिम इलाकों में खास तौर से कहीं ना कहीं किसी भी सरकार की नीयत खराब हो सकती है या हो सकता है इंटरली। फिलहाल की खबर में इतना ही। मुल्क और गैर मुल्क की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए तस्नीम टीवी। आपके मेजबान अब्दुल वाजिद के साथ अल्लाह हाफिज़।